नमकीन बनाने से पहले हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। 250 ग्राम मैंने पोहा लिया हुआ है, 50 ग्राम मैंने आलू भुजिया ली हुई है, थोड़ी सी बूंदी बेसन की, ये चने की दाल है एक कटोरी, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगोया था, उसके बाद इसका सारा पानी निकाल के इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। 50 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हुए हैं, थोड़ी सी घी, मसालों में मैंने ली हुई है लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हींग और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हमने लिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी दाल डालकर फ्राई कर लेंगे। दाल हमारी रेड हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम अपनी बची हुई दाल को भी फ्राई कर लेंगे। ये दाल भी हमारी फ्राई हो गई है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल फ्राई हो गई है, अब हम मूंगफली को दाना को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मूंगफली के दाने भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे कटोरी में। एक्स्ट्रा जो ऑयल था उसको हमने इस कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसमें हम डालेंगे फूड कलर, आप कोई भी फूड कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी खीर। इस तरह से हम खीर को भी फ्राई कर लेंगे। खीर भी फ्राई हो गई है, अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो तेल हमने निकाला था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। हल्दी फ्राई कर लेंगे। इसे हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। मैंने ये मोटा चूरा लिया है जो भुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप पतला लेंगे तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए में। देखिए चूरा भी हमारा थोड़ा सा मोटा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमने ऑफ कर दी है, अब इसमें हम अपने सारे मिक्सचर को डालकर मिक्स करेंगे। एक खीर हमने डाल दी है, बूंदी, मूंगफली के दाने, चने की दाल, जीरा और ये अपने सारे मसाले अब हम इसमें डालेंगे। हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक हमें इसमें डालना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये नमकीन हमारी पूरी तरह से मिक्स हो गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो नमकीन हमारी बन गई है, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत क्रिस्पी होती है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।